इसके पहले इंदिरा गांधी ने क्यों पार्लियामेंट एनेक्स का उद्घाटन किया था, क्यों राजीव गांधी ने पार्लियामेंट की लाइब्रेरी के भवन का शिलान्यास किया था, उसमें राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया। इसलिए देखिए, इनके बहिष्कार करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सावरकर के जन्मदिन के अवसर पर नए संसद भवन का उद्घाटन होगा, जिसको आना हो आए, निमंत्रण गया है, नहीं आना चाहे तो बहाना मत खोजिए कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। और इनको कोई प्रेम थोड़ी है द्रौपदी मुर्मू के पद से कि आदिवासी हैं, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनको सहन नहीं हो रहा है। तो राजद कांग्रेस के लोग ऐलान करें कि जिस संसद भवन का शिलान्यास उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, उसमें कभी कदम भी नहीं रखेंगे, कर दें, इसकी घोषणा कर दें। नीतीश जी को भी मज़ा आ रहा है, कम से कम चर्चा में बने हुए हैं, अखबार में नाम आ रहा है, ऑल इंडिया न्यूज़ टेलीविज़न पर जहाँ पहले नहीं आते थे अब चर्चा हो रही है। इससे ज़्यादा तो कोई मकसद उनका पूरा हो नहीं रहा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव संसद भवन, नए संसद भवन का विरोध कर रहे हैं, सरकार है कि राष्ट्रपति से कराना चाहिए ना कि प्रधानमंत्री से। नहीं, राजद जदयू कांग्रेस के लोगों को ये बताना चाहिए कि पिछले 30 साल से बिहार में राज कर रहे हैं, तो पिछले 30 साल में कितनी बार राज्यपाल को बुलाया उद्घाटन करने के लिए, एक भी भवन के उद्घाटन और शिलान्यास में बिहार के राज्यपाल को नहीं बुलाया। और इनको कोई प्रेम थोड़ी है द्रौपदी मुर्मू के पद से कि आदिवासी हैं, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनको सहन नहीं हो रहा है कि नरेंद्र मोदी ने 2.5 साल पौने 3 साल के अंदर और संसद भवन का निर्माण करवा दिया, अगले 100 साल तक ये संसद भवन जो है ये यहाँ पर सदन की कार्रवाई चलती रहेगी। तो अगर हिम्मत है तो राजद कांग्रेस के लोग ऐलान करें कि जिस संसद भवन का शिलान्यास उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, उसमें कभी कदम भी नहीं रखेंगे, कर दें, इसकी घोषणा कर दें। तो देखिए, नरेंद्र मोदी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और जिस तरह से अभी सिडनी गए थे, ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, विदेशों के अंदर जिस प्रकार से उनका जय जयकार हो रहा है, पूरी दुनिया उनका डंका बज रहा है, तो अब उनको उनकी हर बात का विरोध करना है। ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे सेंट्रल विस्टा को रोकने के लिए, कहाँ रोक पाए। तो इसलिए देखिए, इनके बहिष्कार करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सावरकर के जन्मदिन के अवसर पर नए संसद भवन का उद्घाटन होगा, जिसको आना हो आए, निमंत्रण गया है, नहीं आना चाहे बहाना मत खोजिए कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। इसके पहले इंदिरा गांधी ने क्यों पार्लियामेंट एनेक्स का उद्घाटन किया था, क्यों राजीव गांधी ने पार्लियामेंट की लाइब्रेरी के भवन का शिलान्यास किया था, उसमें राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया। इसलिए केवल विरोध करने के लिए लोग विरोध कर रहे, कोई भी अच्छा काम अगर देश में होने जा रहा है तो उसका विरोध करो, विघ्न पैदा करो, ये लोग उसी प्रकार के लोग हैं। सर, इन दिनों मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर थे सर, हाल फिलहाल 2 दिवसीय, वहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई, सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से मुलाकात हुई। क्या लग रहा है कि विपक्षी एकता में बात बन गई है? पर केजरीवाल से मिले और अगले दिन अजय माकन का बयान आया कि हम दिल्ली में अध्यादेश का हम विरोध करेंगे, तो इसलिए खड़गे साहब से मिलने गए। लेकिन अजय माकन जो कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली की राजनीति करते हैं और पंजाब के जो नेता हैं कांग्रेस के, उन सभी लोगों ने अरविंद केजरीवाल का विरोध किया। तो देखिए, अगले लोकसभा चुनाव तक इसी प्रकार समर्थन विरोध बयानबाजी चलती रहेगी। नीतीश जी को भी मज़ा आ रहा है, कम से कम चर्चा में बने हुए हैं, अखबार में नाम आ रहा है, ऑल इंडिया न्यूज़ टेलीविज़न पर जहाँ पहले नहीं आते थे अब चर्चा हो रही है। इससे ज़्यादा तो कोई मकसद उनका पूरा हो नहीं रहा। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची।